किसान साथियों नमस्कार, आप सबका स्वागत है अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैनल में। 2019 में मेरे साथ एक मित्र जुड़े थे लखनऊ के, नागेंद्र कुमार सिंह जी। उनकी श्री नर्सरी है, अमरूद की शुरू की थी लेकिन अब वो आम पर आ गए और यहाँ हम इनकी नर्सरी में बैठे हैं। ये जो कलर्ड मैंगो हैं इनकी वी ग्राफ्टिंग की हुई है, ये देखिए आप, ये अरुणिमा है। मैं इनके पास आया हूँ और मैं ये बताऊँगा कि आम में आजकल जो प्रचलन चला है वो वी ग्राफ्टिंग का चला है। आपको याद होगा कि अमरूद की वी ग्राफ्टिंग के बारे में मैंने बताया था और प्रचारित किया था कि आप वी ग्राफ्टिंग के पौधे लें और 19 के बाद में लोगों ने धीरे धीरे नारची अमरूद में बंद। पौधा जो है ना, ये पौधा हमारा बीजू पौधा है और अब इस पर एक सायन लाए हैं। ये जो इसकी सायन है, सायन जो है ना, इनके पास मदर प्लांट है, मैंने अभी देखे हैं और इसमें देखिए ये कल्ले निकल पड़े हैं तो ये तैयार है। इसकी दो पहचान है, एक तो ये कल्ले चल पड़े दिखाई दे इसमें और ये ग्रीन होनी चाहिए। अगर ये पक गई सूख गई तो इसका मतलब ये किसी काम के नहीं हुई। दूसरा ये है कि ये इतनी बड़ी होनी चाहिए, इतनी मोटी होनी चाहिए जितनी की ये है। अगर इसमें डिफरेंस हुआ तो भी प्रॉब्लम आएगी। अब हम इसको दिखाएंगे कैसे करते हैं। भाई बताओ, बीजू पौधे को हम काटते पड़ते हैं। ये काट दिया यहाँ से, ये कोई इसका ऐसा है कि इस पत्ते से काटेंगे या बीज से काटेंगे, कहीं ऐसा कुछ नहीं है। नीचे ये पत्ते होने जरूरी है, नीचे होने जरूरी हो। मतलब ये रिंग है, रिंग के ऊपर से ले लिया हमने, कहीं से भी ले लिया जी। अच्छा, अब क्या किया हमने? अब इसको हम बीज से, ब्लेड से, चाकू आपके पास जो भी हो, हाँ हाँ, उससे हम बीज से साफ होना चाहिए, साफ होना चाहिए, काफी तेज चलना चाहिए। हाँ हाँ, ये लगभग 1.5 इंच का चीरा लगाया है इन्होंने, 1.5 इंच का चीरा होगा इसमें और ये इसकी सायन है। अब इसको करिए, अब इसको हम वी शेप में बना लेते हैं। हाँ, बिल्कुल अमरूद वाला है जी। इसमें जो ये आपकी सायन है ये बहुत छोटी रखी जाती है जी, अमरूद में बड़ी होती है। इसको मैंने वी शेप में बना लिया है। हाँ, अब इसको हम एक साइड में मिलाएंगे अंदर रख के। हाँ, इधर मिला या इधर मिला कोई फर्क नहीं पड़ता, एक साइड मिलनी चाहिए। अच्छा जी, और अब इसको हम ग्राफ्ट कर रहे हैं। ग्राफ्ट तो हो गया इसमें, मतलब सेफ कर रहे हैं, सेफ कर रहे हैं इसको। ये आपका कंप्लीट हो गया। अच्छा, से कवर करने की जरूरत है। इस पे टेम्परेचर यहाँ पर मैक्सिमम ठीक है। अच्छा, जब यहाँ से ये पॉली हाउस के अंदर ना होता तो इसको बाहर कैप डालनी पड़ती है हमें। साल में कितनी बार करते हैं, कौन सा मौसम सबसे अच्छा रहता है? सर, इसको मई से स्टार्ट हो जाता है। ये मई से जी, लास्ट मई से स्टार्ट हो जाता है। मई में भी करते हैं जी, जून में भी करते हैं, अगस्त तक होता है। अगस्त तक होता है, उसके बाद लोग उसके बाद अक्टूबर तक भी करते हैं, उसके अलावा उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आगे। अच्छा, उसके बाद फिर फरवरी में कर तो सकते हैं, उसके लिए काफी सेटअप अच्छा होना चाहिए। अच्छा, पॉली हाउस होना चाहिए। अच्छा जी, टेम्परेचर मैक्सिमम बराबर बना रहे उसमें। और फिर उसके बाद जी फरवरी में, उसके बाद फिर अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, इन सब महीनों में हो सकता है। हो सकता है, पर बारिश में अगर ग्राफ्टिंग होगी तो चलेगी नहीं वो। अच्छा जी, बारिश से बचाना पड़ता है इसको, तो इसलिए ये शेड चाहिए आपको। ये शेड चाहिए इसको। ये कितने दिन में आ जाएगा इसका पता चल जाएगा? अभी तैयार तो लगभग है ही। अच्छा, पर एक हफ्ते में इसमें थोड़ा ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा। एक हफ्ते में हो जाएगा जी। और कितने दिन बाद आप कहेंगे कि अब ठीक हो गया, हम इसको? इसको 1.5 से 2 महीने लग जाएंगे। 2 महीने बाद, 2 महीने लग जाएंगे, 2 महीने में ये आप देने लायक हो जाएगा। किसान साथियों, एक मेरे बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि आम के आम गुठलियों के दाम, कि गुठली को फेंकिए मत, आम खाइए और गुठली को इकट्ठी कर किसी गड्ढे में दबा दीजिए, वो पौधा आपका तैयार होगा, बीजू पौधा। और बीजू पौधे को एक साल का जब हो जाएगा आप उस पर ग्राफ्टिंग करिए और इस प्रकार कर सकते हैं, शुरू कीजिए, थोड़ा बनाइए। आप मेरे साथ खड़े हैं नागेंद्र कुमार सिंह जी और जो इसके प्रोपराइटर हैं नर्सरी के, और इन्होंने शुरू किया है और अभी इसको और अच्छा बनाएंगे। तो नागेंद्र जी, ये बताइए, ये शिफ्टिंग अनारची से जो मलिहाबाद में बनते हैं, मैक्सिमम अनारची ग्राफ्टिंग से जो साइड ग्राफ्टिंग होती है, पौधे को जो उसका मदर प्लांट होता है उसके पास ही गाड़ देते हैं और वहां से लगाते हैं, उसमें इसमें क्या फर्क है ये बताइए जरा किसानों को। ये सर, जो विनियर या जो वी ग्राफ्टिंग होती है ये रोग मुक्त होती है, क्योंकि इसमें जो साइन आती है वो काट के आती है। अच्छा। और इनार्चिंग मेथड में जो मेन डिफरेंस है सर दोनों में, इनार्चिंग प्रोसेस में सर उसमें
आपका जो साइन है रोग युक्त है या रोग मुक्त है, वो थोड़ा लेट जुड़ेगा, लेकिन उसकी जो पौधे पर ही जो बीमारियों के जो ट्रांसफर होने के चांस है वो ज्यादा है, चांस उसमें बहुत ज्यादा होते हैं, वो चांस इसमें ना के बराबर होते हैं, वो चांस ना। अगर आपके पौधे पर कोई बीमारी हुई तो निश्चित रूप से वो आपके उस पर भी आएगी, इनार्चिंग मेथड में उस पे आएगी, पौधा तैयार करें उसमें भी वो ट्रांसफर होगी। और जो जमीन में है, जमीन के पैथोजेंस होंगे, चूंकि वो नीचे दबाएंगे, थैली में नहीं दबाते, उसमें तो उसमें भी आएंगे और उनकी जड़ें भी जो है ना वो कटेंगी बाद में थोड़ी सी अगर वो। और ये मेथड मलिहाबाद में कुछ ज्यादा ही आज भी प्रचलन में है, जबकि नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड ने अपने यहाँ पूरा उस पर बैन लगा दिया है। वो अपने जो सर्वे करते हैं उन नर्सरियों को वो मान्यता नहीं देते हैं जहाँ पर इनार्चिंग किसी भी मेथड, इसका कोई स्टैंडर्ड है एनएचबी का के आपको सर, एनएचबी में मेरा हुआ है जैसे, तो उन्होंने कहा कि इनार्चिंग में मैं आपको क्वालिफाई नहीं करूंगा, अच्छा। वो सर्टिफिकेट मुझे नहीं देंगे। आपकी एनएचबी अप्रूव्ड है नर्सरी? अभी मेरा खत्म हो गया है, एनएचबी अप्रूव थी, अच्छा। अभी रिन्यूअल कराना है सर, अच्छा। तो वो लोग पूरा इस पे एक तरह से बैन लगा चुके हैं, लेकिन यहाँ ट्रेडिशनल तरीके से जो लोग हैं उसी को प्रमोट कर रहे हैं, अच्छा। जबकि मैं मेरे यहाँ एक पौधा भी इनार्चिंग मेथड से नहीं मिलेगा। किसान साथियों, 2018 में जो मैंने बाग लगाया था अमरूद का, तो मुझे भी ये पता नहीं था कि प्रोपेगेशन मेथड क्या होते हैं, और इसमें जो हमने अनारची के पौधे लगा दिए थे, बाद में पता चला कि हमें इसमें वी ग्राफ्टिंग के पौधे लगाने चाहिए, जो मैंने सारे बदले थे, और उसका जो मैंने ये प्रचलित किया, इसमें जो मेरा योगदान रहा जितना भी है कि भाई आप सिर्फ वी ग्राफ्टिंग के लिए, और उसका नतीजा था कि आज लगभग अनारची के अमरूद के पौधे बंद हो गए जी, लगभग बंद हो गए हैं, कहीं 1-2% जो है ना कहीं दिखाई देगा। इसी प्रकार आज से हमारी ये मुहिम शुरू है, CISH जितने पौधे बनाता है वो वी ग्राफ्टिंग पर बनाता है, जो सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन मैंगो है जो बस्ती में है वो वी ग्राफ्टिंग बनाता है, जितने भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है जो भी आम मैंगो का काम करते हैं वो वी ग्राफ्टिंग पर बनाते हैं। तो अगर आपको वी ग्राफ्टिंग के पौधे चाहिए तो आप अमेजिंग किसान से संपर्क कर सकते हैं सहारनपुर और वेस्टर्न यूपी के क्षेत्र में। अगर इधर के हैं आप नगेंद्र सिंह जी से भी संपर्क कर सकते हैं, और आप इसके लिए जो है मैं इसको और डिटेल में बताऊंगा, मेरे पौधे आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे पौधे मिलेंगे। इसी के साथ विदा लेता हूँ, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत धन्यवाद।